हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी फोटो पर ये वाली एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, अपने लाइटरूम में चले जाना है। अगर आपके पास लाइटरूम नहीं है तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हमारा जो लाइटरूम है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, अपना फोटो ऐड करना है। यहाँ पर नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करके पहले वो फोटो ऐड करना है जो आपको एडिट करना है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ऑल फोटोज पर और वो यहाँ पर आ चुका होगा जो आपने ऐड किया होगा फोटो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारा फोटो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको लाइट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है हाइलाइट्स, तो यहाँ पर आपको हाइलाइट्स को -19 कर देना है। तो गाइस, इस टाइप से आपको -19 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रास्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, तो इसको आपको +6 कर देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं +6, तो इस टाइप से +6 कर देना है। उसके बाद शेडो है तो इसको यहाँ पर आपको +30 कर लेना है। तो इस टाइप से मैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, तो इस टाइप से भी आपको भी कर लेना है +30 शेडोज़ को। उसके बाद वाइट्स है तो वाइट्स को आपको +10 कर देना है। तो इस टाइप से आपको +10 कर देना है और ब्लैक्स उनको -18 कर देना है। तो यहाँ पर मैंने -18 कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन पर नीचे चले जाना है। तो कलर के ऑप्शन पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पर टेम्परेचर को -10 कर देना है। तो यहाँ पर हम -10 कर लेते हैं, तो इस टाइप से आपको -10 कर देना है। और यहाँ पर टिंट को आपको +20 कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 20 कर लिया प्लस। उसके बाद यहाँ पर आपको वाइब्रेंस को +12 कर देना है। तो यहाँ पर मैंने +12 भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन इसको आपको हल्का सा इंक्रीज कर लेना है +2। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर मिक्स के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स का ऑप्शन है, तो इस पर आपको चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑरेंज पर चले जाना है, पहले वाले को छोड़ देना है। तो इस टाइप से आपको ऑरेंज पर चले जाना है और यहाँ पर आपको सैचुरेशन को -40 कर देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर हम सैचुरेशन को -40 कर देना है। ह्यू को आपको ऐसे ही रहने देना है, तो यहाँ पर हम ह्यू को ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद सैचुरेशन को -40 कर देना है। तो यहाँ पर हम -40 कर लेते हैं सैचुरेशन को, तो इस टाइप से आपको -40 कर देना है। उसके बाद आपको ल्यूमिनेंस है तो उसको आपको +30 कर देना है। तो इस टाइप से हम कर लेते हैं +30। और यहाँ पर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा येलो के ऑप्शन पर। तो येलो के ऑप्शन में आपको क्या करना है, ह्यू को आपको -100 कर देना है। तो इस टाइप से -100 कर देना है, हम -100 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन है तो इसको भी यहाँ पर आपको -100 कर देना है। उसके बाद जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ग्रीन के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको ग्रीन में भी ह्यू को -100 कर देना है और सैचुरेशन को -100 कर देना है। तो हम यहाँ पर -100 कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो -100 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सैचुरेशन है उसको यहाँ पर -100 हमने कर लिया और यहाँ पर भी आपको ल्यूमिनेशन को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ब्लू के ऑप्शन पर और यहाँ पर ब्लू के ऑप्शन में आपको ह्यू को -60 कर देना है। तो इस टाइप से हम कर लेते हैं -60। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं -60 मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन तो इसको आपको 100+ कर देना है। तो यहाँ पर 100+ कर देना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस है तो इसको आपको -40 कर देना है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर -40 भी कर लिया। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं -40 भी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स का एक ऑप्शन है, तो इफेक्ट्स पर चले जाना है और यहाँ पर आपको क्लियरिटी आपको +20 कर देना है। तो यहाँ पर आप +20 कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर विग्नाइट है इसको आपको माइनस कर देना है 40। तो यहाँ पर हम -40 कर लेते हैं। तो यहाँ पर -40 करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मिड पॉइंट आपको यहाँ पर रखना है +30। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर देना है, मिड पॉइंट आपको 30 रख देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ये 50 वहीं से होगा, तो आपको यहाँ पर 30 रख लेना है। उसके बाद फेदर है वो 50 होगा, तो उसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके 70 रख लेना है। तो यहाँ पर हम 70 रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 70 रख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिटेल्स के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स एक ऑप्शन है, इस पर आपको चले जाना है। उसके बाद डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, शार्पनेस को आपको 10 कर देना है इंक्रीज। तो यहाँ पर हम 10 कर लेते हैं इंक्रीज। उसके बाद रेडियस है इसको आपको ऐसे रहने देना है, डिटेल्स इसको भी ऐसे रहने देना है। और यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन है इसको यहाँ पर 10 इंक्रीज़ कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन आपको 10 इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंक्रीज कर दिया। उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी यहाँ पर आपको 10 इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स हैं 50 ऑलरेडी वहीं से, तो इसको आपको 50 ही रहने देना है। कंट्रास्ट इसको भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन आपको 10 कर देना है। उसके बाद डिटेल्स फिर से 50 वहीं रहने देना है। और यहाँ पर स्मूथनेस जो है इसको आपको 80 कर देना है। तो यहाँ पर हम 80 जो है ना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 80 कर लिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 80 कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप डन कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं आप प्रीव्यू अपने फोटो का। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो किस टाइप से था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो किस टाइप से बन चुका है। सो गाइज उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब मस्त है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक दे रखी है, और हमें फॉलो कीजिए। तो गाइज आज का वीडियो इतना था, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।